छत्तीसगढ़ के धमतरी नगर निगम का बजट हंगामे की भेंट चढ़ गया। सामान्य सभा की बैठक के दौरान सवालों का जवाब नहीं मिलने पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जबकि बजट से पहले महापौर अपनी बात रखना चाहते थे और हंगामा इतना बढ़ गया कि महापौर नाराज होकर सूटकेस लेकर बाहर निकल गए और फिर वापस लौटे ही नहीं। फिर क्या, बजट पेश नहीं हुआ और दोनों ही दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने से पीछे नहीं हट रहे। बजट के दौरान प्रश्नोत्तर रखी गई, पार्षदों ने कुल 60 प्रश्न लगाए थे। इसके अलावा 9 एजेंडे भी रखे गए जिन पर चर्चा होनी थी। शुरुआत में विपक्षी पार्षदों ने भवन अनुज्ञा संबंधित जांच करने की मांग की, लेकिन जवाब नहीं मिला। इस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में पक्ष और विपक्ष के पार्षद आपस में भिड़ गए। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों दलों के पार्षद डायस तक पहुंच गए और तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई। विरोध के दौरान विपक्षी पार्षद वहीं धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू हो गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि महापौर सदन से नाराज होकर निकल गए, अपने साथ बजट सूटकेस भी ले गए। काफी देर तक जब महापौर नहीं लौटे तो सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। सदन में गरिमा बना के रखा जाए, लेकिन ये पार्षद लोग कोई बात को समझते नहीं है। पूरा शहर देखता है, पूरा शहर जानना चाहता है कि हमारे से क्या सवाल किया जा रहा है और हम उनका क्या जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये केवल और केवल हल्ला गुल्ला करके, विशेष करके कैमरे में सामने आने के लिए इस प्रकार से सदन की गरिमा को तार तार करते हैं। महापौर जब बजट प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ है, महापौर का बजट सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे माहौल में हम कैसे बजट प्रस्तुत करें? हम हंगामा कर रहे हैं, जब बजट पेश ही नहीं कर सका महापौर तो हंगामा किस बात का? उसको बजट करने के लिए सभापति ने बुलाया, वो भाषणबाजी कर रहे हैं, वो हमको बताना चाहते हैं, हम प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं। जब प्रश्नों को उत्तर दे रहे थे तो उनको पूरा देना चाहिए था, उनको फिर उसको बताने की क्या जरूरत है कि हम दे रहे जवाब, उन्होंने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। प्रधानमंत्री आवास, ऑडिटोरियम, गोकुलधाम, बालक चौक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऐसे शहर के अनेक मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी के समय से विकास में अग्रणी है। बहरहाल अब बजट 17 अप्रैल को पेश किया जाएगा। विपक्षी पार्षदों का आरोप है कि सत्ता पक्ष ने उनके एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत नहीं थी, इसके लिए महापौर बजट पेश करने से घबरा गए। वहीं मेयर का सदन छोड़कर चले जाने को लेकर सभापति की अवहेलना बताते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि पिछले 2 बैठकों में भाजपाई पार्षद सदन से चले गए थे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्षी पार्षद जवाब सुनने को तैयार ही नहीं है। Thank you.